हैं, सीधा पटना का भी रुख करेंगे। रुपेश मेरे सहयोगी हमारे साथ है, लखनऊ से प्रीति हमें ज्वाइन कर चुकी है और दिल्ली से ही पुनीत भी इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही पंकज सर भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर हमें इस वक्त यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर ये बात कही गई है, रुपेश आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉमन सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सुनिए, जहां यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। संविधान में भी समान अधिकार की बात और सुप्रीम कोर्ट कानून लाने को भी कह रहा है, एक घर में दो कानून कैसे? के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमान ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग सीधे लखनऊ रुख करूंगी, मेरी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। प्रीति, मुस्लिम महिलाओं मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय और तीन तलाक का यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया, जो लोग आपके साथ हैं उनसे सीधे बात करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यूसीसी पे यहां के लोग क्या सोचते हैं, मैं उनसे बात करती हूं। ये बताइए कि यूसीसी यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून का जो नियम है, वो यूसीसी जो लागू करने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून, मैंने तो इसके बारे में अभी देखा नहीं है कुछ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सभी धर्मों को एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? नहीं, मैंने अभी इसके बारे में मैं सुना भी नहीं हूँ। असल में स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, इसके मुताबिक मेरे आपको गुजरा भी। आपका क्या कहना है कि जो यूसीसी लाने की बात कही जा रही है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म? यूसीसी ज़्यादा समझ नहीं पाए हम, यूसीसी क्या? यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आती हूँ प्रीति आपके पास, एक बार मैं पुनीत का भी रुख करना चाहूंगी, उनके साथ भी कुछ लोग हैं।